सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद सुधीर कुमार खोबे। इकारांत स्त्रीलिंग उदाहरण है देवी, नदी, त्रिलोकी, कौमुदी, रजनी, श्रीमती, दासी, मही, गौरी, पार्वती, पृथ्वी, नारी, कुंती, श्री, लक्ष्मी, तरी व तंत्री। इसके सातों विभक्ति और तीनों वचनों में कैसे रूप चलते हैं, इसको हम ऐसे याद करते हैं, सरल होता है। ई, ईम, या, यई, यह, यह, याम। उस शब्द को हम तोड़ लेते हैं, हमने पहले ही बताया था। जैसे हम नदी के बनाने जा रहे हैं तो नदी को हम तोड़ लेंगे नद और प्लस या धन ई, ठीक है, नदी। इस तरह से हम तोड़ लेते हैं तो ये ई में परिवर्तन होता है और ये नद इसके सामने जोड़ देते हैं, जैसे ई, ईम, या, यह, 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 या। द्वितीय में या द्विवचन में यो, यो, ई भ्याम, ई भ्याम, ई भ्याम, यो, यो। बहुवचन में यह है इह, इह, इभि, इभ्याम, इभ्य, इभ्य, इनाम, इशु। इसके हम रूप बनाएंगे नदी के। ई, यो, यह है नदी, नद्यो, नद्य, ईम, यो, ई, नदीम, नद्यो, नदी, या, ईभ्याम, इभि, नद्य, नदीभ्याम, नदीभ्य, यै, ईभ्याम, इभ्य, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्य, या, ईभ्याम, इभ्य, नद्य, नदीभ्याम, नदीभ्य, या, यो, ईनाम, नद्य, नद्यो, नदीनाम, याम, यो, इशु, नद्याम, नद्यो, नदीशु। संबोधन में हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य, इस तरह से हम ये रूप बनाते हैं। इसमें श्री, लक्ष्मी, तरी और तंत्री के जब हम रूप बनाते हैं तो इसमें प्रथमा विभक्ति की तीनों वचनों में विसर्ग आते हैं, बाकी सब सेम रहता है। ये हमने पहले ही बताया हुआ है। रे, रि और शय के बाद यदि न आता है तो न का अड़य हो जाता है। तृतीया और तृतीया के एक वचन और षष्ठी के बहुवचन में जैसे इसमें आया है नारी, तो यहाँ आ जाएगा नारी के जब हम रूप बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा नारी नाम, ठीक है, नारी नाम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट। प्लीज प्रेस द बेल आइकन।